Now, how to remain motivated all the time? ये हमने कल भी डिस्कस किया था 12th के साथ, आपके सब डिस्कस करेंगे जल्दी से। मैं दो तीन पॉइंट्स बोलूँगा ब्रीफली, इसको आप खुद वर्क करें फिर। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, मोटिवेटेड कैसे रहे हमेशा, ये एनर्जी बरकरार कैसे रहेगी हम में, कैसे हम हमेशा कंसिस्टेंटली अपने गोल्स पे काम करें, वर्कआउट करें। पहला फर्स्ट पॉइंट, तो पहली चीज इसके लिए जो हमें जरूरत है वो है फाइंड योर वाई। अपना वाई ढूंढे, आप किस लिए जिंदा हो, आप किस लिए जीना चाहते हो, आपके जीने की वजह क्या है, वो ढूंढे आप। कौन सी चीज आपको सुबह उठने पे मजबूर कर रही है? अगर आपको स्कूल नहीं जाना होगा, क्या आप सुबह उठेंगे? कितने बजे उठेंगे फिर? 10-15 बजे उठेंगे आप, है कि नहीं? तो ये आप पूछे अपने आप को, वो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बेड से बाहर निकालती है सर्दियों में भी गर्म बिस्तर से? ये अपना वाई ढूंढ ले, यही आपका आपके जिंदगी का मकसद बन जाएगा, यही आपकी जिंदगी का मकसद बन जाएगा। मकसद बनाए अपनी जिंदगी का। जानवरों के पास कोई मकसद नहीं है, उनका एक ही मकसद है, वो है खाना पीना और आराम करना। लेकिन हम इंसान, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, क्रीम ऑफ द क्रिएशन बनाया है। हर एक चीज यहां किसी ना किसी मकसद से है, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रीज देखें ना, ट्रीज मकसद है कि नहीं है? है कि नहीं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन रख रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं पोल्यूशन को, और रेनफॉल में भी, इस साइकिल में भी मदद करते हैं, है कि नहीं? इसी तरह जो मट्टी है, इसका भी एक मकसद है। इसी तरह जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स का भी कोई मकसद है। हर एक चीज, पानी देखें आप, हवा देखें आप, माउंटेन्स देखें आप, रेगिस्तान देखें आप, मछलियाँ देखें आप, पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर, फिजा में, हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। और हर एक अपने मकसद को पूरा कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। इवन वर्म्स भी, वर्म्स उनको हम बोलते हैं ना, वो भी अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, वो भी अपना रोल निभा रहे हैं। हनी बीज भी अपना रोल निभा रहे हैं, जो मक्खियाँ है ना, वो भी अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन इंसान ही अपना रोल भूल गया है, इंसान ही को मकसद भूल गया है, इंसान के पास कोई मकसद रहा ही नहीं है। तो अपना कोई मकसद ढूंढने आप, बात आ रही समझ? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वो इंसान जो सुबह घर से चला गाड़ी लेके, फॉर एग्जांपल मैं चला हूँ गाड़ी लेके, ठीक है, अब मैं यहाँ से आते आते यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पे दो तीन रास्ते हैं, एक है सीधे जा रहा है, एक राइट लेफ्ट, और एक यहाँ से भी जा रहा है, चार। मैं क्रॉस रोड्स पे पहुँच गया हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। अब वहाँ पे आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विच वे या विच प्लेस विल दिस रोड टेक मी, ये जगह, ये रोड मुझे किस जगह पहुँचाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मैं इस रोड से चला जाऊँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? Where will this road lead me? Where will this road take me? तो आप क्या पूछेंगे पहले? अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि आपको जाना कहाँ है, मैं कहूँगा कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? चल छिचा ही शी कहता सो हो अगस्त यू और अगस्त नहीं अगस्त कुछ ही सुन, फिर एक ही बात है, तुम वहाँ जाओ, यहाँ दाएँ बाएँ आगे पीछे जानो में जहाँ कहाँ जाओ मिसाक दो, फिर यही कहता फिर जा कहाँ जाना है तुम्हें, बात आ रही समझ? वैसे हम हैं, हम जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, कुछ का सुन पाती छे पता ही नहीं है स्कूल जाके क्या करना है, नहीं पता है। इसीलिए जो एनर्जी है ना हमारी, जो अल्लाह ने सलाह दी है, वो ज़ाया हो रही है हमारे पास, अल्लाह ने दी है लेकिन ज़ाया हो रही है, और पता नहीं किस किस काम में ज़ाया हो रही है, आपको पता है। तो अपनी एनर्जी को ज़ाया ना करें, टाइम मिला है ये भी एक बहुत बड़ी एनर्जी है, इसको भी ज़ाया ना करें। इंसान को जवानी मिल गई है, ये भी बहुत बड़ी एनर्जी है, सलायत मिली है जहन की, फिजिकल एनर्जी,
तो ये सब आप जाया ना करें, ये आप अपने मकसद पे लगाएं। एक मकसद ढूंढें आप, स्ट्रेट फिर वहीं चले जाएं आप, सीधे यहाँ पे इस पॉइंट पे। फिर आप यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर वापस आएंगे, फिर तब तक पता नहीं क्या हुआ होगा। एनर्जी ज़ाया ना करें आप, बट वरना भटकेंगे आप। बात बताइए समझ। इसी तरह ज़रा मुझे बताएं, फुटबॉल मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है और दो टीम्स है, एक टीम के साइड पे लीड कर रहा है उस टीम को रोनाल्डो। रोनाल्डो इज कैप्टनिंग वन टीम एंड द अदर टीम इज बीइंग कैप्टन बाय मेसी। ओ दुनिया दीवानी है उनकी, है कि नहीं? मेसी और रोनाल्डो की दुनिया दीवानी है। रोनाल्डो ने जो है ना अपना ये जो YouTube चैनल खोली, तो एक ही दिन में पता नहीं 12 से ज़्यादा मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हो गए, एक ही दिन में, एक ही घंटे में, पता नहीं इतना उसको फॉलो करते हैं लोग। बात आ रही है समझ। तो मैं कह रहा था कि दो टीम्स के बीच में मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच। अब वो ग्राउंड में आते हैं, रेफरी विसल भी करता है, स्टार्ट द गेम, लेकिन एक मनचला आता है। वो मनचला क्या करता है, वो गोल पोस्ट उठा के भाग जाता है। सोचो गोल पोस्ट इन एवन, आप मुझे बताओ गोल पोस्ट के बगैर कौन सी टीम जीतेगी दोनों में? मेसी जीतेगा कि रोनाल्डो? कौन जीतेगा? क्यों नहीं जीतेंगे? अगर वो कितने भी गोल करे वो काउंट? क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, कोई डेस्टिनेशन ही नहीं, उन्होंने कोई पॉइंट तय ही नहीं किया है। बात आ रही समझ। इसलिए आप कितनी भी मेहनत करो ना, तब ना खरबोर तो क्या हुआ ना, खरबोर एक और कुछ नहीं होता है, खर से इम्प्रूवमेंट करिंग कम गरीश कमती हुई, ठीक है, लेकिन पहुंचते नहीं हैं हम कहीं पे। समंदर में अब बोट में हैं, बोट चला रहे हैं, यू आर टोइंग द बोट, ठीक है, आप टो कर रहे हैं बोट को, चला रहे हैं बोट को, समंदर में हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है जाना कहाँ है, नहीं पता कहाँ जाना है, तो आपका बोट किस कंट्री में जो है पहुंच जाएगा बताइए। तीन कंट्रीज में बोल देता हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया आएंगे। तीन कंट्रीज है, तीन ऑप्शन। आपको नहीं पता जाना कहाँ है, तो आपका बोट ड्रिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, अमेरिका, इंग्लैंड या इंडिया? बोलिए। कहीं नहीं, क्यों? क्योंकि कोई मंजिल, इसीलिए अपना वहाँ ही ढूंढे। आज पहला काम करें यहाँ अपना, किसी को जाना है यहाँ से? जाना है किसी को? अरे अगर किसी को जाना है तो जाएं, डिस्टर्ब ना करें। बात आ रही समझ। दूसरा काम करें जल्दी से, मैं बोलता हूं, दूसरा काम आप करें। सुने, हम लोग जो है ना इंसान, और ये जो है ना ये वाह, ये मकसद ढूंढ लेना, ये कोई ख्वाब देख लेना, ये हमारी नेचुरल कैपेसिटी में आता है, ये हमारे नेचर में होता है इनबिल्ट। हम देखते हैं, हम ख्वाब देखने वाले मखलूक है, ख्वाब देखने वाले क्रिएचर्स, ये हमें इनबिल्ट होता है। हम ख्वाब देखते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, जानवरों को ये नहीं होता है। कभी किसी जानवर ने मीटिंग की है, फॉर एग्जांपल शेरों ने मीटिंग की होगी, शेर आ गए और मीटिंग शुरू हो गई, मीटिंग किस बात पे है? अरे हमें विंटर में बहुत ठंड लगती है, हमें गारों के अंदर जाना पड़ता है, वहाँ भी ठंड लगती है, हम कोई कपड़ा ऐसा बनाएंगे कि हम गर्म रहेंगे और हम बर्फ़ में भी फिरेंगे, उसमें घूमेंगे फिरेंगे। कभी ऐसी मीटिंग की है उन्होंने? ऐसा कोई प्लान बनाया है? कभी उन्होंने ये प्लान बनाया होगा कि हमको तो रोज़ हंटिंग पे जाना होता है, अच्छा खाकर लगा दो है, अब क्यों ना हम एक काम करेंगे, हम कोई ऐसा होटल बनाएंगे जहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल हो, हम जाएंगे और बुफे में खाएंगे जो मन आए, हिरन का गोश्त खाएंगे, गाय का, बकरी का, जो भी होगा। कभी किया है? नहीं, ये कौन करता है? इसीलिए चांद, सूरज, सितारे, जमीन, आसमान, जमादात, नबाता, चिरिंद, परिंद, सब कुछ अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया। इंसान को कायनात से निकाल दो, रह क्या जाएगा?
इंसान को कायनात से निकाल दो, फिर टाइम का कोई कंसेप्ट है? फिर जानवर क्या करें उस बजे? कभी आपको घर में आपके कोई कैट है? किसी को घर में कैट है? अरे गोट तो होगी, बकरियां गाय तो होगी किसी को, या बर्ड तो कोई देखा होगा कभी किसी ने? आपको कोई मैना ने पूछा होगा पिच 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 बजे कस नगोसी यार मैं उसको कुत्ता सुन? नहीं बोला है ना, ये सारा कुछ इंसान से ही है। तो आप शुक्र करें अल्लाह के हम इंसान हैं और अपना मकसद तायुन करें, वरना हम भी फिर उनके बहन भाई बन जाएंगे। और